नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या 29 ऑगस्ट 2022 रोजी भारतातील सर्वात प्रख्यात स्पर्धा मिसेस इंडिया गॅलेक्सीचा ग्रँड फिनाले आयोजित करण्यात आला होता. त्यामध्ये 30,000 अर्जदारांहून 60 विवाहित महिलांचाही पूर्ण देशभरातून ऑनलाईन ऑडिशनद्वारे फायनलिस्ट म्हणून निवड करण्यात आली होती. सुमारे 2 महिने ग्रूमिंग आणि प्रशिक्षण सत्र ऑनलाईन आयोजित केले गेले होते. तमाशा सप्ताहामध्ये रॅम्प वॉक, स्टेज प्रेझेन्स, आत्मविश्वास वाढवणे, मेकओव्हर्स यावर सखोल प्रशिक्षण सत्राचा समावेश होता. संस्कृती, कलागुण आणि सामाजिक समस्येबद्दलचे सादरीकरण यावर फेऱ्या झाल्या. या आयोजित कार्यक्रमात मिसेस युनिवर्स अरब आशिया 2016 अनुपमा शर्मा, मिसेस युनिवर्स 2019 अमिताभ पांडा, अभिनेता सौरभ रॉय, अभिनेता सनी सचदेवा, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर वरुण शंकरे, बॉलिवूड सिंगर कत्याल यासारख्या अनेक चमकणाऱ्या सेलिब्रिटी आणि व्यक्तिमत्वांची उपस्थिती होती. मिसेस युनिवर्स सेंट्रल एशिया दिव्या पाटीदार जोशी, मिसेस युनिवर्स साऊथ पॅसिफिक एशिया कविता मोहरकर, महाराष्ट्रीयन नागपूर येथील रुचिका जेसवानी हिने मिसेस शायनिंग स्टारचे उपपदक पटकावले. नॅशनल पेजंट मिसेस इंडिया गॅलेक्सी 2022 ग्रँड फिनालेमध्ये मिसेस इंडिया गॅलेक्सी 2022 हे शीर्षक जिंकून मिसेस इंडिया गॅलेक्सीचे आयोजन मी विभ्रांत कॉन्सेप्टद्वारे केले जाते. रुचिकाने सांगितल्याप्रमाणे मिसेस इंडिया गॅलेक्सीच्या डायरेक्टर कम चीफ मेंटॉर गिनी कपूर म्हणाल्या की भारतीय महिलांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे आणि योग्य प्रशिक्षण आणि एक्सप्लोजर दिल्यास त्या खूप उंची गाठू शकतात. स्पर्धेतील परिवर्तनाचा प्रवास मनातील अडथळे दूर करण्यास मदत करतो आणि एक नवीन दृष्टी विकसित करण्यास मदत करतो असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए और फिर अपील की कि प्लीज डोमेस्टिक वायलेंस बंद करें, क्योंकि हर गृहिणी बेबी टैलेंट है. उन्हें देखिए, उन्हें नजरअंदाज नहीं कीजिए. कोई किचन क्वीन है, हर गृहिणी किचन क्वीन है, लेकिन उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत गुण है जो उसे बाहर निकल के ही उसकी प्रतिभा को हम देख सकते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म हमें ये दिखा रहा था, हमें अलग अलग कल्चरल ग्राम जिसमें हमने अपने महाराष्ट्र को, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना था. तो मैंने मणिकर्णिका को रिप्रेजेंट किया, रानी झांसी के रूप में वहाँ प्रस्तुत हुई. वहाँ पे मैंने लड़ाई दिखाई कि कैसे रानी झांसी अपने पति के देहांत के बाद अपने बच्चे को बांध कर घोड़े पर लेकर सवार अपने देश के लिए, अपने जमीन के लिए लड़ रही थी. वहाँ से मैंने ये बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना जरूरी है. हर महिला को निकलना चाहिए अपने घर से बाहर और एक शक्तिशाली वुमेन महिला के तौर पे हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कदम से कदम बढ़ाकर महिला भी चल सकती है. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.